Hello friends, my name is Yatin Kumar and you can read about me here. All these things over current affairs की series में हम discuss कर रहे हैं 29 जून का current affair. इसमें first जो topic है कि भारत के संचार उपग्रह GSAT-17 का जो प्रक्षेपण किया भारत ने, उसमें गत दो माह में ये तीसरा संचार उपग्रह भारत ने प्रक्षेपित किया है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, ये प्रक्षेपित किया गया है फ्रेंच गुआना स्थित कोरू के प्रक्षेपण वाहन से, वहाँ के केंद्र से. इसका वजन है 3477 किलो और इस दूरसंचार ये जो उपग्रह है संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है, इसमें सी बैंड, विस्तारित सी बैंड और एस बैंड का यूज़ किया गया है. और जैसे ही ये GSAT-17 अपने लॉन्चिंग व्हीकल से अलग हुआ तो इसका कंट्रोल का जो काम था वो दे दिया गया कर्नाटक के हासन स्थित इसरो के मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र को, मतलब मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर इन कर्नाटक हासन, वहाँ से इसका नियंत्रण किया जा रहा है. तो GSAT-17. नेक्स्ट टॉपिक इज लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 में संशोधन किया गया है. पहली बात तो कि ये नियम 1 जनवरी 2018 से लागू होंगे और निर्माता, पैकर और आयातक का नाम, पता, वस्तु, शुद्ध घटक, खुदरा बिक्री मूल्य, उपभोक्ता देखरेख, शिकायत आयाम आदि का लेखा जोखा होना चाहिए. और दो या अधिक MRP नहीं हो सकेंगे जब तक कि इसके नियमों के तहत इसकी अनुमति ना हो. एंड सेकेंड, इसकी दो या दो से ज़्यादा MRP नहीं हो सकते जब तक इसके नियमों के तहत अनुमति नहीं दी गई हो. और जो घोषणा करने के लिए अक्षर और अंक हैं वो बड़े बड़े होंगे, उनका आकार बढ़ाया गया है ताकि उपभोक्ता इन्हें आसानी से पढ़ सके. शुद्ध मात्रा कितनी है इसकी जांच के लिए ई कोडिंग की मदद ली जाएगी ताकि इसको अधिक वैज्ञानिक किया गया है. और बारकोड QR कोड को शिक्षा के आधार पर अनुमति दी जाएगी. और मेन चीज़ की 1 जनवरी 2018 से लागू होने वाले हैं तो इनमें संशोधन किया गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज राष्ट्र बायोफार्मा मिशन शुरू किया गया है. नेशनल बायोफार्मा मिशन नवाचार थर्ड, ये फ्राई थर्ड नाम से शुरू किया गया है और इसमें $25 करोड़ का निवेश होगा, जिसमें से विश्व बैंक $12.5 करोड़ का कर्ज देगा. मेन चीज़ ये है कि वर्ल्ड बैंक इसमें कर्ज देगा. इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के PSU, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद BIRAC द्वारा लागू किया गया है राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन को. और इसका प्रभाव ये होगा कि इससे उद्यमिता बढ़ेगी और स्वदेशी विनिर्माण में बढ़ोतरी होगी. मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट हम ला रहे हैं उसमें स्वदेशी विनिर्माण में बढ़ोतरी होगी और बायोफार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में इंडिया डिज़ाइन और विकास का एक सेंटर बनेगा. क्योंकि बायोफार्मा मिशन में जो इस क्षेत्र की जो कि जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले वो हार्ट का जो स्टेंट था उसकी रेट्स कम किए गए थे, इसी तरह जो ये बायोफार्मास्यूटिकल के एरिया में नई नई चीज़ें बनेंगी तो उनका डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो होगा वो इंडिया में होगा. तो इससे इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी बढ़ावा मिलेगा. तो आज के डिस्कशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you for watching.